हाय एवरीवन, वेलकम टू वी आर स्ट्रॉन्ग। और आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं रेक पार्क का एक अमेजिंग बैक स्पेशलाइजेशन रूटीन। ये रूटीन आप अपने नॉर्मल वर्कआउट्स जब भी आप हफ्ते में परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी एक दिन जब आप बैक वर्कआउट का प्लान करें, इस वर्कआउट को आप कर सकते हैं। इसको आप महीने में एक या दो बार किसी भी हफ्ते में कर सकते हैं। अब बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है, बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है वर्कआउट में। जो पहला एक्सरसाइज है दैट इज वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन या पुल अप्स। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, टोटल जो चार सेट्स करने हैं जिसमें 11 रेपिटेशन होंगे। अब ये 11 रेपिटेशन एक बड़ी डिफरेंसी फिगर है। ये नंबर इसलिए है क्योंकि जो 8 प्लस 3 रेपिटेशन को इसमें ब्रेक डाउन करा है, जो 8 रेपिटेशन होंगी वो तो होंगी आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल पुल डाउन या पुल अप जो भी आप कर पाते हैं। जो लास्ट की 3 रेपिटेशन होंगी वो होंगी आइसोमेट्रिक होल्ड, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन लेट्स से हमने पुल अप करा तो हमने ऊपर जो मूवमेंट करी वहां पे होल्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जितनी देर हो सकता है। ओके, सिमिलरली अगर हम लैट पुल डाउन कर रहे हैं, अगेन हम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में उसको होल्ड करेंगे जितनी देर हम फेलियर तक उसे होल्ड कर सकते हैं, टोटल 3 रेपिटेशन के लिए। जो नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज वो आती है बेंट ओवर या टी बार रो, आप कोई भी कर सकते हैं। टोटल 4 सेट करेंगे, 10 रेपिटेशन ईच। नेक्स्ट इज सिंगल आर्म डंबल रो, टोटल 4 सेट्स, 10 रेपिटेशन ईच। और लास्ट इज डेडलिफ्ट 5x5 कंसेप्ट पे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है 5x5 की पूरे के पूरे डिफरेंट लेवल्स पे। सो ये है बैक स्पेशलाइजेशन रूटीन बाय रेक पार्क, और अब हम इस रूटीन को परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, जो फर्स्ट एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं रेक पार्क के बैक स्पेशलाइजेशन रूटीन में, वो है लैट पुल डाउन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि लैट पुल डाउन में जो स्पेशलिस्ट चीज रेक पार्क ने सजेस्ट करी है वो क्या है, वो भी हम करते हैं। सबसे पहले मैंने हर बार की तरह जो चीजें पॉइंट आउट करी हैं लैट पुल डाउन मशीन में बैठते हुए, वो मैं दोबारा बताता हूं। जब भी आप बैठें तो यहां पर जब आप अपनी थाइस को ब्लॉक करते हैं, मैंने पहले ही बताया है कई बार लोग यहां पर बैठते हैं और अपनी लोअर थाई को ब्लॉक करते हैं। नो, ये इसलिए नहीं करा जाता है। लेट्स से अगर आपका वेट हैवी है तो कई बार वेट हैवी में क्या होता है कि आपने तो अपर थाई लोअर थाई ब्लॉक कर दी, लेकिन जब ये वेट ऊपर पुल होता है तो साथ में हिप भी ऊपर होता है। इसीलिए जो इसमें ब्लॉक करना होता है दैट इज योर अपर थाई, यू हैव टू मूव अप ऑलमोस्ट, या फिर जो ग्रोइन स्टमक है वो टच होगा इस पे। अब आप जितना भी हैवी वेट उठाएंगे आप लिफ्ट नहीं करेंगे। अब मैंने वेट लिया है, ठीक है, एंड चेस्ट अप एंड टुवर्ड्स योर अपर चेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन एसेंट्रिक में। यहां पर छोड़ना नहीं है, एल्बो में हमेशा टेंशन रहेगी, जस्ट शॉर्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग, और बैक को स्ट्रेच करना है। बैक, अभी एल्बो मेरी फिर भी बेंड है, हल्की सी टेंशन है, ये नहीं है, इतना बेंड रहेगा, और बैक को स्ट्रेच करना है। अगेन फास्ट डाउन, कॉन्ट्रैक्ट, एल्बो पीछे की तरफ एंड स्लो अप, स्ट्रेच। ऐसे आपने 8 रेपिटेशंस करने हैं। अब यहां पर जो है लास्ट 3 रेपिटेशन जो बोले हैं उसमें उन्होंने बोला है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है मैक्सिमम स्ट्रेच पोजिशन में। तो यहां लेकर आए एंड यहां होल्ड, होल्ड जितना आप कर सकते हैं उतना होल्ड, जितना कर सकते हैं फेलियर तक, एंड अगेन अप, थोड़ा सा ब्रीदर दिया, छोड़ना नहीं है, अगेन डाउन, होल्ड जितना कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर सकते हैं, होल्ड 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 एंड अप। ऐसे आपने 3 रेपिटेशंस करनी है। तो ऐसे आपने सेट कंप्लीट करना है जिसमें टोटल 11 रेपिटेशंस हैं, फर्स्ट 8 फुल रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल रेपिटेशंस, और लास्ट 3 विल बी होल्ड आइसोमेट्रिक होल्ड, जो कॉन्ट्रैक्शन पोजिशन में आपने करने। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्कआउट में वो है बेंट ओवर बारबेल रो। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1-10-1 टेक्निक का यूज नहीं होगा, लेकिन कन्वेंशनल मूवमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ जो सेट्स हैं वो ज्यादा हैं, काफी वॉल्यूम है। मैं बेसिक मूवमेंट आपको दिखाता हूं कैसे करना है। आप टी बार रो भी कर सकते हैं बेंट ओवर रो की जगह। अगेन आई जस्ट लिफ्ट द बार प्रॉपर पोजिशन स्ट्रेट, ओके, नाउ आई गो डाउन। अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा, जैसे मैंने बताया था नी बेंड रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, और चेस्ट का बैक हमेशा सीधे रहेगी। ये देखिए बार आगे नहीं है, बिल्कुल नेक्स्ट टू द बॉडी, चेस्ट अप एंड एंड नाउ पुल डाउन, पुल डाउन। कई लोग जो हैं वो नेवल की तरफ पुल करते हैं, ग्रोइन की तरफ, कई लोग अपर पुल करते हैं, लेकिन इफ द वेट इज हैवी आप अपर पुल नहीं कर पाएंगे, यू विल हैव टू पुल इट टुवर्ड्स द ग्रोइन एरिया। मेन एम है कॉन्ट्रैक्शन फील करना। अगर लोड ज्यादा है तो बैक बहुत ज्यादा बेंड मत करिए, अगर लोड आ रहा है हल्का सा से ऊपर रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फील करिए। दिस वॉज बेंट ओवर
बारबेल रो। सो गाइस, द नेक्स्ट वर्कआउट हम करने जा रहे हैं स्पेशलाइज्ड वर्कआउट में, वो है सिंगल आर्म डंबल रो। सिंगल आर्म डंबल रो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, बाकी वीडियोस में मैंने बेंच के ऊपर दिखाया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल आर्म डंबल रो या वन आर्म डंबल रो कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेशलाइज बेंच किया किसी की जरूरत नहीं है। एम इज टू बेंड प्रॉपरली, पोजिशन लेके और फील द बैक, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन बैक में करना और बैक परफेक्ट आना। अब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कल को अगर आपके जिम्स वगैरह में आपके कहीं पर जगह नहीं होती, आपको लगता है मेरे पास बेंच नहीं है, बेंच पर जगह नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। कहीं पर भी आई एम जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल डंबल रैक जो है वहां पर खड़ा हूँ, मैंने हाथ रखा, ओके, मैंने एक पैर को पीछे किया पुश, आगे वाला पैर मेरा बेंड रहेगा, ठीक है, ये भी सॉफ्ट रहेगा, स्ट्रेच नहीं, ऑलवेज ऑन द सॉफ्ट नी, चेस्ट अप बैक अंदर, आपकी पोजीशन बन गई है। आपने डंबल लिया कोई भी, लेट्स से सिंगल आर्म, चेस्ट अप बैक अंदर एंड पुल कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन मैक्सिमम, बैक को स्ट्रेच देना है, बैक को स्ट्रेच देना है मैक्सिमम, एंड अगेन पुल कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन मैक्सिमम स्ट्रेच। यहां पर ध्यान ये रखना, जैसे मैंने गलती बताई थी, ये कोई डंबल रो नहीं है, शोल्डर मूवमेंट नहीं होगी, शोल्डर कॉन्स्टेंट, सिर्फ एल्बो कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम स्ट्रेच, और ऐसे ही आपको दूसरे आर्म से परफॉर्म करना है। तो ये था गाइस सिंगल आर्म डंबल रो। सो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। ये मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन करी है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही बेसिक्स है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें इसकी बायोमैकेनिक्स और टेक्निकलिटीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम एक सिंपल मूवमेंट देख रहे हैं कि हमें बेसिक बारबेल डेडलिफ्ट कैसे करनी है। अगर आप सुमो डेडलिफ्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली अप टू यू। मैं आपको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट दिखा रहा हूं और बिल्कुल बेसिक तरीके से दिखा रहा हूं कैसे करनी है। एक नॉर्मल बार है, मैंने उसमें वेट लगाया हुआ है। अब मैं बार के बिल्कुल अंडर चला गया, जो मेरा फुट वेट है या जो स्टैंड है वो शोल्डर स्टैंड है, यानी नॉर्मल स्टैंड है, उतना ही मैंने पैर खोला है, फीट 30 डिग्री अपार्ट, और जो मेरी टोज है वो बार से आगे आने, यानी मेरा जो बार है वो वर्चुअली मेरे शिन को टच कर रहा है, इतना पास आपके बार रहेगा। सो योर बार इज ऑलमोस्ट टचिंग द शिन। अब जो डेडलिफ्ट में हम मूवमेंट करते हैं वो स्क्वाट नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। दिस इज नॉट अ डेडलिफ्ट, दिस इज अ स्क्वाट मूवमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। डेडलिफ्ट इज अ हिंज पोजिशन, दिस इज डेडलिफ्ट, सी दिस इज डेडलिफ्ट एंड दिस इज स्क्वाट। इसमें आप डेडलिफ्ट नहीं करेंगे, इसमें डेडलिफ्ट करेंगे, दिस इज हिंज पोजिशन। तो हिंज पोजिशन में क्या करना है, जस्ट कीप ऑन टेकिंग योर हिप बैक, बॉडी को आगे बेंड करते हुए नी बेंड, हिप बैक नी बेंड, हिप बैक नी बेंड, और यहां पे मैंने ग्रिप ली, जो मेरी ग्रिप है हाथों की वो मेरे लेग्स को आउटर साइड से जस्ट टच कर रही है, ठीक है। आप मिक्स ग्रिप लेना चाहते हैं मिक्स ले सकते हैं, मैं इसमें नॉर्मल ग्रिप लेता हूं, एंड जस्ट एक्सप्लोड अप, इसको लिफ्ट करते हुए एट द सेम टाइम बैक बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, बैक हमेशा सीधी रहेगी स्ट्रेट। अब जब यहां पे आप खड़े होंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना जैसे लोग करते हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं है। चेस्ट अप रखना है, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड कंट्रोल तरीके से नीचे। डेडलिफ्ट में बार हमेशा नीचे टच होगा, रखा जाएगा और दोबारा स्टार्ट से उसे लिफ्ट करा जाएगा, तभी उसे कहते हैं डेडलिफ्ट, लिफ्टिंग अ डेड वेट, वेट को डेड किए बिना उसे डेडलिफ्ट नहीं कहेंगे। अगेन सेम वे, 1 2 एंड स्ट्रेट अप कंट्रोल डाउन। पूरे टाइम में आप देखिए जो मेरी हिंज पोजीशन है वो वैसी की वैसी। सो गाइस, ये था कन्वेंशनल बारबेल डेडलिफ्ट।